मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेस टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, एमएनसीज के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। बेटा पीछे हमने इवैल्यूएशन में एडवांटेजेस पढ़े थे, आज उसी इवैल्यूएशन में ही अब हम डिसएडवांटेजेस करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के नुकसान क्या क्या हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण अपने देश की जो डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्रीज हैं वो खतरे में आ जाती हैं। कैसे? द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इनकैपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंज ऑफ एमएनसीज बिकॉज दे पोजेस यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेटा एमएनसीज के आने के कारण हमारे देश की जो डोमेस्टिक लेवल के इंडस्ट्रीज हैं वो एमएनसीज के कारण जो प्रॉपर लेवल का उन्होंने कंपटीशन या चैलेंज फेस करना होता है वो हमारे डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज एमएनसीज के साथ उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाती हैं। अब बेटा जब हमारी डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्रीज एमएनसीज के साथ चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगी तो हमारी जो कंपनीज हैं डोमेस्टिक लेवल की उन इंडस्ट्रीज का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, उन्हें बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। कैसे फेस करना पड़ेगा बेटा? एमएनसीज के साथ बिजनेस करने के लिए उन्हें उन्हीं की तरह बढ़िया क्वालिटी का माल बनाना पड़ेगा, बढ़िया क्वालिटी के माल की कीमत भी कम रखनी पड़ेगी, रिसोर्सेज भी उन्हें ज़्यादा चाहिए, जिसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक लेवल के इंडस्ट्रीज हैं वो एमएनसीज के साथ प्रॉपर लेवल का जो कंपटीशन है उसे टाइमली फेस नहीं कर पाती हैं। अब यहाँ पर बेटा एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे बेटा सम वीक कंपनीज हैव सिंपली टू वाइंड अप देयर बिजनेस। कुछ वीक कंपनी को जब वो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, तो वीक लेवल की कंपनीज को अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो बेटा एमएनसीज के कारण हमारे जो डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनका जो बिजनेस है वो खतरे में पड़ जाता है। और बेटा जो बड़ी बड़ी डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज होती हैं वो तो बेटा इस खतरे को झेल जाती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि वो इतने लंबे चौड़े खतरे को फेस नहीं कर सकती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा मल्टीनेशनल कंपनी जिस देश में जाकर बिजनेस करती हैं तो वहाँ के प्रॉफिट को भी वो बेटा वापस अपने देश में लेकर जाती हैं। दीज कंपनीज अर्न यूज प्रॉफिट्स, दे कैरी दीज प्रॉफिट्स टू देयर कंट्री। बेटा एमएनसीज जिस देश में जाकर बिजनेस करती हैं और वहाँ जब वो प्रॉफिट कमाती हैं तो प्रॉफिट का शेयर उस देश में नहीं छोड़ के आती, वापस अपने देश में लेकर जाती हैं। दिस एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री। इस तरीके से बेटा जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनीज जाकर बिजनेस करती हैं उस देश की फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए आती हैं और वापस प्रॉफिट कमाकर प्रॉफिट का हिस्सा अपने देश में वापस लेकर चली जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल दे सकते हो, इट मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेन लेवल का एक्सचेंज देश से बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का सेकंड ड्रॉबैक क्या था? रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिस्सा जो उन्होंने जिस देश में जाकर कमाया है वहाँ पर वो छोड़ के नहीं आती हैं, वापस अपने देश ले जाती हैं। और जिस देश में वो बिजनेस करती हैं उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उनके वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व धीरे धीरे से घटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। दीज कंपनीज हेल्प द गवर्नमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज, बट
जाकर बिजनेस करती हैं उन देशों के सरकारों में या उन देशों की कंपनीज में, शुरू शुरू में तो बेटा कई तरीके से उनकी हेल्प करती हैं, सरकार की भी हेल्प करती हैं, कंपनी की भी हेल्प करती हैं, एंड ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। सच अ सिचुएशन इज नेवर डिजायरेबल फॉर एनी कंट्री। शुरू शुरू में तो उनके काम में हेल्प करती हैं, लेकिन धीरे धीरे हेल्प करते करते वो उनकी पॉलिसीज में, उनके काम करने के प्रोसेस में दखलअंदाजी करनी शुरू कर देती हैं, उनके डिसीजन लेने में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। और ये सिचुएशन बेटा किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। अब बेटा कैसे फायदेमंद नहीं है, जैसे बेटा जब वो उनके साथ उनके काम में दखलअंदाजी करेंगी तो अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इमेंसली फेवरेबल पोजीशन, क्योंकि वो उस देश में अपनी पोजीशन एक फेवर की पोजीशन बनाना चाहती हैं। शुरू शुरू में तो उनके काम में हेल्प करेंगी, लेकिन धीरे धीरे कब उनके काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर देती हैं, और जब दखल अंदाजी करेंगी तो पॉलिसीज अपने फेवर की बनवाएंगी, जिस देश में जाकर वो बिजनेस करती हैं उनके फेवर की पॉलिसी काफ़ी कम होती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के आने से जिस देश के अंदर भी वो आती हैं उनकी लोकल लेवल की पॉलिसी में भी धीरे धीरे वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा मल्टीनेशनल कंपनी जिस देश में आकर बिजनेस करेंगी वहाँ के बेटा रिसोर्सेज का भी वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और कई बार तो बेटा वो उनके रिसोर्सेज का नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस्तेमाल करती हैं। एमएनसीज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री वेरी केयरलेसली। बेटा जिस देश में जाकर वो बिजनेस करती हैं उनके रिसोर्सेज का बेटा वो काफ़ी केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज हार्मफुल फॉर द होस्ट कंट्री। इस तरीके से बेटा जिस देश में जाकर वो बिजनेस करती हैं तो धीरे धीरे उनके नेचुरल लेवल के रिसोर्सेज घटने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का वो बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में यूज नहीं करती, वो केयरलेस तरीके से उनका क्या करती हैं, यूज करती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। मल्टीनेशनल कंपनीज बेटा जो गरीब लोग हैं उनके फायदे का कोई भी काम नहीं करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो अमीरों के लिए बनाती हैं, गरीबों के लिए नहीं बनाती। दीज कंपनीज आर जनरली सेट अप अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। ये कंपनीज ज़्यादातर कौन से देशों में जाकर बिजनेस करती हैं, जो या तो अंडर डेवलप होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज आर मोस्टली पुअर। इन देशों के लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, बट दीज कंपनीज मोस्टली प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स विच आर यूज बाय द रिच। ये मल्टीनेशनल कंपनी जाती तो गरीब देशों में बिजनेस करने के लिए हैं, वहाँ के लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो माल वहाँ जाकर बनाती हैं वो गरीबों के लिए नहीं बनाती, वो ऐसा माल बनाती हैं जिनका यूज़ कौन करते हैं, अमीर लोग करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड कॉस्मेटिक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें वो बनाती हैं। देयरफॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री डू नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज कंपनीज। और जिन देशों में जाकर ये बिजनेस करती हैं इनके बिजनेस के करने के कारण उनका बेनिफिट वहाँ के गरीब लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि ये तो माल बनाती हैं वो गरीबों के लिए नहीं होता, इनका सारा का सारा माल ऐसा बनाया जाता है जो अमीरों के लिए बनाया जाता है। लेकिन जिस देश में जाकर वो बिजनेस करती हैं वो देश बेटा अंडर डेवलप होते हैं या डेवलपिंग होते हैं, वहाँ के लोग अमीर नहीं होते, वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज के हमने डिसएडवांटेजेस किए थे, क्या क्या था। पहला था डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक लेवल के इंडस्ट्रीज के लिए ये कंपनीज जो हैं खतरे की घंटी बजाती हैं। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिस देश में जाकर ये बिजनेस करती हैं वहाँ के प्रॉफिट को अपने देश में लेकर जाती हैं, जिससे उन देशों का जो फॉरेन एक्सचेंज
लेवल का रिजर्व है वो घटना शुरू हो जाता है। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिसीज, जिस देश में जाकर बिजनेस करती हैं वहाँ की लोकल लेवल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। और लास्ट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, ये कंपनीज मल्टीनेशनल वाली गरीबों को फायदा नहीं देती हैं, अमीरों को फायदा देती हैं। थैंक यू बेटा।